जितने लोग थे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे उस धार्मिक पुस्तकों को भी ठेले पर रखवाकर हम ही से आग जलवाने का काम किया, हमारे उन विरासत को हमारे ही हाथों आग लगवाने का काम किया, जलाने का काम किया। इस चौपाई का अर्थ यह था कि केवट की नहीं, बहुत सरकारी जो निषाद राज जी के सेवक थे केवट, वो बहुत सेवा किए, रात भर श्रृंगेरपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी व्यतीत किए, उनका राजपाठ जा चुका था। तो बट वृक्ष जो होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो लाशा होता है, उसके अंदर उस दूध को लेके आए, उनके बालों में लगाकर मुकुट बनाने का काम किया। और सुबह राम सखा तब नाव मंगाई, मतलब राम जी को आत्मबाल सखा थे निषाद राज जी, केवट जी से कहते थे, नत्थालाल केवट से, कि नाव लेके आओ और प्रभु रामचंद्र जी को गंगा पार करो। ये सारे इतिहास को बताने का काम, उसको समझने का काम। और इस इतिहास को जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को बताने का काम किया, माननीय अमित शाह जी को बताने का काम किया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उस इतिहास को पुनर्जागृत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तकरीबन 500 करोड़ से ज्यादा निषाद राज पार्क की स्थापना करने का काम श्रृंगेरपुर में किया। और वहां पर 50 फीट की ऊंची भगवान श्री रामचंद्र जी की और भगवान निषाद राज जी की गले मिलते हुए प्रतिमा लगने का काम किया। एक मित्रता का संदेश जो त्रेता युग में गया था, वो आज कलयुग में भी जा रहा है। जिनकी हम लोग पूजा आराधना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके आत्मबाल सखा, दोनों का इतिहास पुनर्जागृत होने का काम हो रहा है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक वकील के रूप में लोकतंत्र के उस सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है, तो जब जब अवसर मुझे मिला सेवा और समर्पण के भाव से, मैंने उस लोकसभा के मंदिर में अपने समाज के उस मुद्दे को उठाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी तक उस बात को पहुंचाने का काम किया माननीय अध्यक्ष जी के साथ। अगर हम अपनी लोकसभा की बात करें, विकास कार्यों की बात करें, तो आज जो उत्तर प्रदेश आज उन्नत प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है,